नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल नंबर से किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट सर्च कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोबाइल नंबर से किसी का भी इंस्टाग्राम आईडी सर्च करने के बाद उस अकाउंट को देखने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसके प्रोफाइल को चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जैसे कि किसी का प्रोफाइल सर्च करके चेक करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के उसका प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ से इंस्टाग्राम को कट करना है। कट करने के बाद अब इंस्टाग्राम पर जो सर्च करने का प्रोसेस है यहाँ पर बदल गया है, तो उसको यूज करने के लिए, उसको चलाने के लिए और मोबाइल नंबर से किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट पता करने के लिए आपको क्या करना है। ये सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम का अपडेट आया हुआ है तो यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट नहीं आया हुआ है तो यहाँ से आपको कट करना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में यहाँ पर आपको ऐप्स या आपको एक ऐप मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। सभी फ़ोन में यह ऑप्शन अलग अलग होता है, तो अगर आपके फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए, हमारे फ़ोन में ऐप्स है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ऐप मैनेजमेंट पर जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसमें आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम दिख जाएगा, तो आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपको एक क्लियर कैश का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से जो कैश है इसको यहाँ से आपको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको एक परमिशंस का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका परमिशन अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद बैक करना है। बैक करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपको एक फ़ोन का परमिशन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको फ़ोन का भी परमिशन यहाँ से अलाउ करना है। उसके बाद बैक कर देना है। इतना करने के बाद आपको कट करना है। कट करने के बाद आपको रिसेंट से सारे चीज़ को हटा देना है। अब आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपको प्रोफाइल फ़ोटो का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि प्रोफाइल आइकन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशंस का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक अपलोड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप जिस भी इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज करते हैं, जिस इंस्टाग्राम अकाउंट पे किसी का मोबाइल नंबर सर्च करके उसका इंस्टाग्राम अकाउंट पता करना है, उसका प्रोफाइल चेक करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है कि आपको जो भी अकाउंट से सर्च करना है उस अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है। अब आपको अपने फ़ोन में क्या करना है कि इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपको प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सी ऑल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके फ़ोन में जिसका जिसका मोबाइल नंबर सेव होगा, यहाँ पर अगर वो मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ पर उसका अकाउंट दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में जो भी नंबर सेव है उससे जो भी अकाउंट बना हुआ है यहाँ पर अकाउंट दिख रहा है। अब यहाँ से उसका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पहले जो इंस्टाग्राम पर मोबाइल नंबर सर्च करके किसी को फॉलो करते थे, यहाँ पर अब वह इंस्टाग्राम फीचर्स बंद कर दिया है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से करना होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।